अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, कौन सा भारतीय क्रिकेटर इंग्लैंड के खिलाफ खेली जाने वाली घरेलू टेस्ट सीरीज से चोट के कारण बाहर हो गया है? ए रविंद्र जडेजा, बी रोहित शर्मा, सी शिखर धवन या डी विराट कोहली। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। भागलपुर सिल्क सिटी के नाम से मशहूर भागलपुर के सिल्क कारोबारियों की हालत हो गई खस्ता। भागलपुर में सिल्क कारोबार पूंजीपतियों के हत्थे चढ़ गया है। पूंजीपतियों के लिए सिल्क कारोबारी कठपुतली बनकर रह गए हैं। सिल्क कारोबारी ने बताया कि जिस कच्चे धागे की मांग होती है पूंजीपति वर्ग के लोग उसे स्टॉक कर लेते हैं और महंगे दामों में बेचते हैं। भागलपुर की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले रेशम को उसके लायक बाजार मिल पाना दुश्वार हो गया है। कारोबारी आलोक ने बताया कि सरकार भी बुनकरों का सहयोग नहीं कर रही है। बुनकरों के कार्यशाला का अगर आयोजन भी किया जाता है तो वे बुनकरों के क्षेत्र से हटकर बड़े बड़े होटलों में किया जाता है। सिल्क कारोबारियों ने सरकार से मांग की है कि बुनकरों का बना हुआ माल उचित दामों पर बाजार तक पहुंचे ताकि बुनकरों को इसका फायदा मिल सके। इसका मुख्य कारण है कि यहाँ बाजार नहीं है। ये भागलपुर रेशम उद्योग जो है पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली बन के रह गई है। पूंजीपति अक्सर ऐसा करते हैं, जब जिस सूते की जिस कच्चे धागे की मांग होती है उसको स्टॉक कर लेते हैं, उसके बाद बाजार में सूते के अभाव होता है, लोग जो है बुनकर उसके मनमाने दाम पर सूत खरीदते हैं और जब डिमांड कपड़े तक पहुंचते फिर सूते का रेट गिर जाता है और बुनकर को वही गिरे हुए रेट के अनुसार कपड़ों की मजदूरी मिलती है, जिसके कारण छोटे बुनकरों की पूंजी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। मेहनत आप लोगों का बदस्तूर जारी है। जी, मेहनत बदस्तूर जारी है। नए नए लोग नए नए डिजाइन बना रहे हैं, किसी तरह हमारा मार्केट चले, रोजी रोटी चले। भागलपुर की रीढ़ कहे जाने वाली रेशम उद्योग जो है अब अपने समाप्ति की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री अब सरकार तरफ से भी कुछ मांग कर रहे हैं। सरकार की तरफ से तो बहुत सारे जो है योजनाएं हैं बुनकरों के, लेकिन सारी फाइलों में ही सीमित है। फाइलों से बाहर न बुनकरों तक पहुंच पाता है और न बुनकर उसका लाभ उठा पाते हैं। सरकार तो बहुत दिखाते हैं कि लाभ है, जब सरकार की ओर से कार्यशाला का या बुनकर विकास के नाम पर कोई भी आयोजन किया जाता है तो वो पंच क्या कहते हैं होटल राजहंस या होटल जो है भावना इंटरनेशनल में किया जाता है, बुनकर के क्षेत्र में कभी नहीं किया जाता। बुनकर को पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। किस तरह के बाजार की मांग कर रहे हैं आप? भागलपुर का एक ऐसा बाजार है भागलपुर बुनकर क्षेत्र में जहाँ की कच्चा माल, जिस कच्चे माल की बुनकरों को आवश्यकता हो वो उचित रेट पर उपलब्ध हो और बुनकर द्वारा माल बना हुआ माल जो उचित रेट पर बिके। हम जिस माल को 10 रुपये प्रति मीटर हमसे लिया जाता है उस रेट को बम्बई या दिल्ली बाजार तक पहुँचते पहुँचते 50 रुपये मीटर हो जाता है, तो 40 रुपये मीटर कौन खा रहा है? अगर बुनकर सीधे तौर पर बाजार से जुड़ जाएंगे तो बिचौलियों के हाथ से निकल जाएगा और सीधे बुनकर का माल बना हुआ मार्केट। मगेशिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहाँ है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी, नॉन एसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीसी फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क करें 9661904817799249981। नवगछिया मंडल परिसर में टोटो चालकों ने दिया धरना, कहा 100 रुपए भी नहीं हो रही कमाई। नवगछिया मंडल के टोटो चालकों ने गुरुवार को अनुमंडल परिसर में धरना देकर बाजार में 1 जनवरी से लागू नो एंट्री कानून में बदलाव कर टोटो को बाजार में प्रवेश करने की अनुमति देने की मांग की है। टोटो चालकों का नेतृत्व रंगरा के प्रखंड प्रमुख संजीव कुमार उप मोती यादव और आजाद हिंद मोर्चा के अध्यक्ष राजेंद्र यादव कर रहे थे। राजेंद्र यादव ने कहा कि टोटो चालक पलायन की स्थिति में आ गए हैं, बाजार में प्रवेश बंद हो जाने के कारण इन लोगों को रोजाना 100 रुपए से भी कम कमाई हो रही है।
जबकि बाजार में जाम का मुख्य कारण अतिक्रमण है। मोती यादव ने कहा कि टोटो चालकों को बाजार में हर हालत प्रवेश की अनुमति मिलनी चाहिए क्योंकि जाम का कारण अतिक्रमण है। टोटो चालकों ने अपने विभिन्न तरह के मांगों से भी प्रशासनिक अधिकारी को अवगत कराया है। वहीं धरना कार्यक्रम के बाद संघ के प्रतिनिधियों ने नौगछिया अनुमंडल पदाधिकारी से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा है। अनुमंडल पदाधिकारी ने प्रतिनिधि मंडल को सकारात्मक आश्वासन दिया है। धरना में राकेश कुमार पंचूसा, बालेश्वर यादव, चंदन कुमार, रवि कुमार, पतुली पंडित, पप्पू पंडित, अनिल दास समेत बड़ी संख्या में टोटो चालक मौजूद थे। मार्केट हम लोग को नहीं घुसने दिया जाता है, हम लोग का कमाई नहीं हो रहा है, हम लोग के रोजी रोटी पे ज़िंदगी पे सवाल हो रहा है। यहाँ तक कि हम लोग किस्ती पे गाड़ी लिए हुए हैं, गाड़ी का किस्त जमा नहीं कर पा रहे हैं। अगर मार्केट में हम लोग नहीं चलेंगे तो हम लोग कमाने के लिए कहाँ जाएंगे? NH पे तो हम लोग चलने के लायक नहीं है, हम लोग की छोटी रिक्शा है, कोई बड़ी गाड़ी नहीं है जो हम लोग NH पे चल सकते हैं। मेन चक्कर है हमारे पास, हम लोग चलते हैं रेलवे स्टेशन से मकनपुर चौक, उसके बाद मकनपुर चौक से रेलवे स्टेशन नवादा, तो हम लोग कहाँ चलेंगे? लो एंट्री के बाद जो आपका जगह चयनित हुआ है, इसमें आपको क्या परेशानी है? परेशानी है ये सर कि मार्केट में जो हम लोग कमाते थे, खुदरा जो कमा पा रहे थे, वो कमा नहीं पा रहे हैं। अभी 100-200 रुपया में बाफत हो रही है, पैसेंजर बैठने तैयार नहीं है, क्योंकि आधा दूर चल के मार्केट वो चले जाते हैं तो कहते हैं कि हम इतना दूर चल के क्यों, जब चले आए हैं तो आगे चल के हम चले जाएंगे। तो हम लोग को तो कमाई मर गई है, हम लोग के पास कुछ साधन नहीं बचा है, अगर नहीं बचा हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हम लोग इसीलिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे। जो सबके पास 19 तारीख को आवेदन दिए हुए थे, 21 तारीख को आज हम लोग धरना प्रदर्शन दिए हुए हैं यहाँ पे अनुमंडल में। संख्या आप लोग हैं? हम लोग 250 की संख्या में हैं। प्रशासन जो व्यवस्था किया था उससे क्या परेशानी आ रही है? प्रशासन जो व्यवस्था किया है तो हम लोग को परेशानी उससे नहीं है, हम लोग को मार्केट में हम लोग कमाने खुले कमाने वाले हैं, उनके बाद हम लोग से मान लिए किसी को ले करके जाना है तो हमको डिलीवरी पेशेंट है या कोई पेशेंट है बुजुर्ग है उनको ले करके हम आते हैं हम छोड़ने के लिए बैंक पे, बैंक ही ला करके हम छोड़ने के लिए चले आए। लेकिन वापस जब जाते हैं तो उनके बाद दूसरी जगह प्रशासन जब वहाँ पे खड़े हैं तो वो तो डंडा चला देते हैं सीधे, क्योंकि हम लोग को अगर मकनपुर हम लोग रेलवे स्टेशन से पूजा नहीं चलते हैं जैसे, तो हमको कहीं पर हमको हॉस्पिटल ले करके आना होता है, तो हॉस्पिटल से घूमने में हमको फिर परेशानी हो जाती है, तो हम क्या NH होकर के फिर हमको घूमना पड़ता है? तो हम लोग तो छोटी गाड़ी है, NH पे कोई भी हमको धक्का मार सकता है, कोई भी हमको ठोक सकता है, NH पे हम चलने के साथ लायक नहीं है ना। ये हम लोग का मांग है कि हम लोग को मार्केट घुसा दिया जाए, आने जाने का रास्ता दिया जाए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजू हुआ। रिक्शा एक अला गया है सर, सभी गरीबी है, गरीबी के छाए में पड़े हुए हैं, किस्ती पे जो लिया गया है गाड़ी और किस्ती चुका नहीं पा रहा है, गाड़ी घिंचा रहा है और हम लोग का ऐसा स्थिति हो गया है कि बाल बच्चा भूखे मर रहा है। जो घर में जाते हैं तो बोलता है 100 रुपया बेटा लाया है, इसी से और 100 रुपया में एक घर, एक परिवार, एक फैमिली पोस लेते हैं। और इसी कारण से हम लोग को बाजार में मार्केट में मिलता है पैसेंजर और उस जगह से हम लोग गवर्नमेंट का लेकर जाते हैं, जैसे नवादा हो गया, बाजार में नहीं घुसने के कारण से भुखमरी छा गई है हम लोग को, और गाड़ी भी घिंचा रहा है कि 2-3 गो गाड़ी जो घिंचा गया है वो लोग को किस्ती नहीं भर पाया है लॉकडाउन का कारण से। नाम क्या हुआ? हमारा नाम राकेश कुमार हुआ सर। कार्यालय हमारे ई रिक्शा वाले जो हैं, इन लोगों का नौगछिया बाजार प्रवेश 1 जनवरी से बंद कर दिया गया है अनुमंडल प्रशासन के द्वारा, जिसके अगेंस्ट में ये लोग पहले भी मिले थे प्रशासन से, और बाज़ार में भी व्यवसायी और पुलिस प्रशासन की बैठक हुई थी, उसमें भी मांग की गई थी कि ई रिक्शा के कारण जाम नहीं लगता है बाज़ार में, किसी को डिलीवरी होता है, कोई परिस्थिति होती है, कोई ट्रेन से उतरते हैं, कोई मान लिया जाए महिला कॉलेज छात्रा जा रही है, GB कॉलेज या कहीं भी अस्पताल जाना चाहते हैं तो रास्ते में उसको उतर कर सवारी बदलना पड़ता है और रिक्शा पकड़ना पड़ता है, काफ़ी परेशानी होती है। ये जाम लगने का मुख्य कारण है बाज़ार पर, रोड पर, सड़क पर सब्जी बिकना, ठेला लगना, और दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण कर रोड को जो है छोटा कर दिया गया है। आज बाज़ार में अतिक्रमण सिर्फ हटा दिया जाए सड़क पर से, और प्रशासन पुलिस को रखा जाए हर चौक पर कि आगे बढ़ते जाओ देख रेख करने के लिए, कोई जाम की समस्याएं नहीं है। आपने अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से क्या इनकी बात को रखा है? इनकी बात को मांग पत्र दिया गया है और आज से हमारा अनसर पर है कि लोग अब छूट मांग रहे हैं हमको, पहले की तरह बाजार में आने जाने ई रिक्शा वाले को दिया जाए,
और कब तक ये मामला रहेगी अनशन? वो तो प्रशासन पर डिपेंड करता है, प्रशासन अभी मांग लेंगे तो ये लोग घर चले जाएंगे, वो तो प्रशासन के द्वारा लगाया गया है। ऐसे कब तक रखा गया है, मांग नहीं माना गया तो? जब तक मांगेंगे। आखिर मैं पूछना चाहता हूँ कि बाहर भी रोजगार नहीं है, आज गरीब लोग लोन पर सरकार बैंक से कर्जा लेकर के लिया है, आज रोजगार करता है, रोजगार आप नहीं करने देते हैं। ये जो ई रिक्शा है, ट्रैक्टर तो है नहीं जो खेत में चलेगा, वो ट्रक तो है नहीं जो रोड पर चलेगा, मेन रोड पर। ये तो ऑलरेडी आम आदमी के गली गली जाने की सवारी है, एक छोटी रिक्शा के तरह है। ये सारे लोग कर्ज लेकर के लिए है, इसलिए प्रशासन को मेरा आग्रह है कि इनको पूर्व की तरह चलने की छूट दी जाए, और बाकी जहां जाम लगने का कारण है अतिक्रमण को मुक्त कराया जाए और लोगों को स्टैंड दिया जाए ताकि लोग गाड़ी घोड़ा लगावे। बाकी पब्लिक भी तो गाड़ी से ही आजकल आते हैं। कितनी मांगे हैं? मुख्य मांग है तो हमारा सिर्फ वही है कि ई रिक्शा को आने जाने दिया जाए। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम राजेंद्र यादव, अध्यक्ष आजाद हिंद मोर्चा। इन लोगों ने आग्रह किया, हम लोग मार्गदर्शन के लिए आ गए। रिक्शा चालकों का क्या मांग है, क्या कर रहे हैं उनके लिए? नहीं, मैं नौगछिया पुलिस जिला प्रशासन से अनुरोध पूर्वक कहना चाहूँगा कि हमारे गरीब ई रिक्शा चालक भाई का जो मांग है, और प्रशासन से हमारा बोलिए हमारे रिक्शा चालक भाइयों का जो मांग है, प्रशासन के द्वारा समाधान करने का प्रयास किया जाए। क्या मांग जायज है? मांग जायज है, और जहां तक जाम की बात है तो सब्जी मंडी दुकान के आगे स्टॉल लगाना, जगह जगह पे ठेला लगाना, तो इन सब चीज़ों को देखना होगा। अतिक्रमण सिर्फ एक रिक्शा चालक की वजह से नहीं होता है, जब विधि व्यवस्था को बनाना है तो हर तरह से हर विषय पे गौर करना होगा। सिर्फ एक रिक्शा चालक बंद कर देने से अतिक्रमण समाप्त नहीं हो जाएगा, इसलिए सरकार के द्वारा जो प्रशासन के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो भी सराहनीय है, लेकिन सिर्फ एक रिक्शा चालक गरीब रिक्शा चालक को के रुक जाने से अतिक्रमण समाप्त नहीं होगा, इसलिए हर विषय पर गौर करें। और हम कहना चाहेंगे कि रिक्शा चालक को रूट दे दिया जाए, रूट बना के, ताकि वो अपने रूट से जाएं और आएं, जिससे कि उनका भी रोजी रोजगार चलता रहे। इसके लिए आप क्या पहल करेंगे इनके लिए? बस एक रूट बना के दे दिया जाए उनको, रिक्शा चालक को, वही रूट से उनका जाना। नौगछिया में डीजे पर डांस करने को लेकर हुए विवाद में स्थानीय लोगों ने बारातियों को पीटा, गंभीर रूप से घायल हुए 3 बाराती का नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में कराया गया इलाज। नौगछिया के मक्का तकिया मोहल्ले में एक शादी समारोह में डांस करने को लेकर हुए विवाद में स्थानीय लोगों ने बारातियों की जमकर धुनाई कर दी। घटना में बारात पक्ष के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में कराया गया। घायलों में कटिहार जिले के मनिहारी कटाकोस अजीमाबाद निवासी लड़के का पिता मोहम्मद हाफिज, लड़के का सगा भाई शकील और लड़के का ममेरा भाई मोहम्मद सबीर है। घायल लोगों और बारात के पक्ष के लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि मक्का तकिया के मोहम्मद मुबारक की लड़की और कटिहार जिले के मोहम्मद हफीज के पुत्र मोहम्मद राजू की शादी होनी थी, निकाह संपन्न भी हो गया था। इसी बीच बारात के कुछ लड़के डांस करना चाह रहे थे, लेकिन स्थानीय लोग इसका विरोध कर यह कह रहे थे कि डीजे लड़के वाले लेकर नहीं आए हैं, बल्कि डीजे लड़की वालों की तरफ से व्यवस्था किया गया है, इसलिए बारात के लोग इस डीजे में नहीं नाच सकते हैं। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ता गया और स्थानीय लोगों ने मिलकर बारातियों की पिटाई कर दी। बारात में शामिल लोगों ने कहा कि लगभग 30 से 35 लोगों की पिटाई की गई, लेकिन ज्यादातर लोगों को आंशिक चोटें आई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसका इलाज नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में कराया गया। हालांकि देर शाम तक दोनों पक्षों के बुद्धिजीवियों ने मिलकर बैठकर आपस में सुलह कर लेने की बात कही। नौगछिया के थानाध्यक्ष शैलेश कुमार ने कहा कि मामला पुलिस के संज्ञान में है, लेकिन किसी प्रकार का लिखित आवेदन नहीं दिया गया है, फिर भी पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। किसी और बातों को लेकर तो विवाद नहीं हुआ है ना? नहीं, इसी बात के लिए, और कोई बात के लिए विवाद नहीं हुआ। थाना में आवेदन नहीं दिया है? थाना में नहीं, थाना में भी आवेदन नहीं दिए हैं। बात सब चला गया है? नहीं, बरात सब अभी मतलब है, रास्ते में है, आगे में। लड़की घर छोड़ दिए? हाँ, लड़की घर छोड़ के चले आए हम लोग सभी। लड़की छोड़ दिए वहीं पर? माखा तक क्या नहीं, लड़की सब जाए, हम शादी करने के लिए जाएंगे, अब वहाँ जाके हमारा मर्डर हो जाएगा तो लड़की ले आके क्या करेंगे हम तो लड़की मांगने के लिए गए। लड़की का पिता का क्या नाम है? लड़की का पिता का नाम मुबारक है। किसका शादी होता है?
शादी था इसका मोहम्मद राजू का लड़का का। लड़का की आप कौन है? आपका कौन है? हमारा भगना है वो। आपका नाम? मोहम्मद इसराइल। घर अभिया बाजार गाछी टोला वार्ड नंबर 7। ये कौन है? मेरा भतीजा हुआ। किसी और बातों को लेकर तो विवाद नहीं हुआ है ना? नहीं, इसी बात के लिए और कोई बात के लिए विवाद नहीं हुआ। थाना में आवेदन नहीं दिए हैं? थाना में नहीं, थाना में भी आवेदन नहीं दिए हैं। बात सब चला गया नहीं, बरात सब अभी मतलब है रास्ते में है, आगे में। लड़की घर छोड़ दिए है? हाँ, लड़की घर छोड़ के चले आए हम लोग सभी। लड़की छोड़ दी? हाँ, लड़की छोड़ दिए वहीं पर। माखा तक क्या नहीं? लड़की सब जाए, हम शादी करने के लिए जाएंगे, अब वहाँ जाके हमारा मर्डर हो जाएगा तो लड़की ले आके क्या करेंगे हम? हम तो लड़की मरने के लिए गए। लड़की का पिता का क्या नाम है? लड़की का पिता का नाम मुबारक है। किसका शादी होता है? शादी था इसका मोहम्मद राजू का लड़का का। लड़का की आप कौन है? आपका कौन है? हमारा भगना है वो। आपका नाम? मोहम्मद इसराइल। घर अभिया बाजार गाछी टोला वार्ड नंबर 7। ये कौन है? मेरा भतीजा हुआ। हम बोले थे ये बराती लोग का मन है कि डीजे पे डांस करना है, ठीक है। हम बोले कि थोड़ा डांस करने से बराती लोग का शौक है तो डांस कर लेगा। उसी में से जो है ना लड़की का मौसा बोला कि नहीं डांस नहीं होगा, करना है डांस तो आप जा करके डीजे बाहर कर लीजिए। चलिए ठीक है, हम लोग बाहर कर लेंगे। उसी वजह से जो है ना ये लोग जो बाहर का जो आदमी था अगल बगल का उसका पड़ोसिया लोग वो लोग जो है जबरदस्ती मार करने लगा। नहीं डीजे निकलेगा, नहीं नचने देंगे, तुम लोग रंगबाजी करेगा तो मार करेंगे। मारपीट किया दो चार ऐसा तरीका से नहीं हुआ सर, मार तो ऐसा कर दिया उन लोग। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में मरीजों और सफाई कर्मियों के बीच फल का किया वितरण। मारवाड़ी युवा मंच नवगछिया जागृति एवं मारवाड़ी युवा मंच नवगछिया शाखा के संयुक्त तत्वाधान में अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच का 37वां स्थापना दिवस समारोह मारवाड़ी विवाह भवन के प्रांगण में 37 दीप प्रज्वलित कर केक काट कर एवं मिठाई बांट कर बड़े धूमधाम से मनाया गया। मंच स्थापना दिवस को युवा सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय भी जागृति द्वारा लिया गया है। इस कड़ी में गुरुवार को शाखा द्वारा नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में रोगियों एवं सफाई कर्मियों के बीच फल का वितरण किया गया। आयोजन को सफल बनाने में शाखा सदस्य चित्रा टिबरेबाल, कंचन खेमका, रिंकी शर्मा, सपना शर्मा, वीना सराफ, बबीता वर्मा, रेखा वर्मा, ऋतु चिरानिया, शाखा अध्यक्ष कविता अग्रवाल के साथ सभी सदस्य मौजूद थे। इस आशय की जानकारी जागृति शाखा की सचिव सपना शर्मा ने दी है। नवगछिया में 70 लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में गुरुवार को 70 स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंट लाइन वर्कर का वैक्सीनेशन किया गया। अस्पताल उपाधीक्षक अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि वैक्सीनेशन लेने वाले सभी लोगों की हालत बिल्कुल सामान्य है। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया, नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया शहर के व्यवसायियों ने SDPO को किया सम्मानित। नवगछिया में हाल के दिनों में हुए आपराधिक घटनाओं को पुलिस द्वारा उद्भेदन किए जाने पर नवगछिया के व्यवसायियों द्वारा SDPO दिलीप कुमार को अंग वस्त्र एवं पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया है। व्यवसायियों ने कहा कि पुलिस द्वारा झंडापुर के औलियाबाद में हुए डकैती कांड का उद्भेदन किया गया। इस दौरान अपराधियों की गिरफ्तारी भी हुई और डकैती किए गए राशि को भी बरामद किया गया। वहीं मौके पर नवगछिया नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव, बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के भागलपुर प्रमंडलीय उपाध्यक्ष विनोद केजरीवाल, प्रमंडलीय मंत्री दयाराम चौधरी, नवगछिया शाखा अध्यक्ष दिनेश सराफ, प्रवीण केजरीवाल, विश्वनाथ यादुका, अशोक केडिया, राजेश कनोडिया, प्रवीण भगत, रचित गाड़ूरिया, वरुण केजरीवाल, कमरेश अग्रवाल सहित कई अन्य उपस्थित थे।
नवगछिया टीटी के अभ्यर्थी पर हुए लाठी चार्ज के विरोध में इनोस ने सीएम का फूका पुतला। टीटी अभ्यर्थी पर हुए लाठी चार्ज के खिलाफ इंकलाबी नौजवान सभा के और आयशा के राज्य व्यापी विरोध प्रदर्शन के तहत गुरुवार को नवगछिया के वैशाली चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूका गया। इस अवसर पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार विरोधी नारे भी लगाए। मौके पर वैशाली चौक पर नुक्कड़ सभा का भी आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए इंकलाबी नौजवान सभा के राज्य सह सचिव गौरी शंकर राय ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे टीटी अभ्यर्थियों पर भाजपा जदयू सरकार द्वारा बर्बर लाठी चार्ज की घटना शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देकर स्कूलों में योगदान की गारंटी करवाने के बजाय सरकार लाठी गोली की भाषा बोल रही है। वहीं कार्यक्रम में विक्रम कुमार, हरिदर्शन कुमार, राजा कुमार, विनोद कुमार, पीयूष रंजन, अमित कुमार, चिंटू कुमार, गुलशन कुमार, निखिल कुमार सहित कई छात्र नौजवान शामिल थे। नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान पोखर के सामने गौशाला रोड नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, जूस, हॉट एंड कोल्ड कॉफी, तंदूरी सहित कई आइटम उपलब्ध है। विशेष आकर्षण कॉफी का आनंद लें मात्र 15 रुपए से। साथ ही परिवार के साथ झूले पर ले खाने पीने का आनंद। प्रत्येक रविवार को 30% की भारी छूट। फ्री होम डिलीवरी उपलब्ध है। संपर्क करें 7549888597। गोपालपुर बैंक प्रबंधक ने फर्जी एलपीसी पर फर्जी लोगों को दिया लाखों का ऋण, मामला दर्ज। गोपालपुर थाना क्षेत्र के धरारा स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा के तत्कालीन प्रबंधक जयप्रकाश झा ने गोपालपुर अंचल के फर्जी एलपीसी व फर्जी मतदाता पहचान पत्र पर 7 लोगों को 90,000 रुपए की दर से फाइल में ही केसीसी ऋण का भुगतान कर बिचौलियों के साथ मिलकर सरकारी राशि का बंदर बांट कर लिया। लंबे समय से तथाकथित ऋण धारकों द्वारा ऋण की अदायगी नहीं होने पर जब ऋण धारकों के पते पर नोटिस का तामिला कराने की प्रक्रिया के दौरान पूरे मामले का खुलासा हुआ। मामले की जानकारी मिलने पर वर्तमान शाखा प्रबंधक ने पूरे मामले की जानकारी बैंक के वरीय अधिकारी को दी है। वरीय अधिकारी के निर्देश पर गोपालपुर थाने में लिखित आवेदन देकर तत्कालीन शाखा प्रबंधक व तथा कथित ऋण धारकों पर मामला दर्ज करने का अनुरोध किया गया है। ढोलबज्जा के कदुआ में विद्यार्थियों के बीच शिक्षा ऋण शिविर आज। नवगछिया जिला परिषद नंदनी सरकार की लगातार प्रयास से आज शुक्रवार को मध्य विद्यालय खैरपुर कदुआ परिसर में विद्यार्थियों के लिए एक दिवसीय शिक्षा लोन शिविर लगाया जा रहा है, जहां इस योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा 12वीं या समकक्ष पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम के लिए 10वीं कक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी के उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 4 लाख रुपए तक का शिक्षा लोन उपलब्ध कराया जाएगा। अब आपके शहर नवगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी, नवगछिया। संपर्क करें 9060127642 9308708313। गोपालपुर 6 महीने से वेतन नहीं मिलने से जंजीर वाहक सुनील कुमार हुए भुखमरी के शिकार। पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण गोपालपुर प्रखंड कार्यालय में जंजीर वाहक के पद पर कार्यरत सुनील कुमार के परिजन भुखमरी के शिकार हो गए हैं। जंजीर वाहक सुनील कुमार ने बताया कि दुकानदारों ने उधार देना बंद कर दिया है, जिस कारण स्थिति दयनीय हो गई है। रुपए के अभाव में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वीडियो प्रियंका ने बताया कि मांग के अनुसार आवंटन नहीं मिलने के कारण वेतन भुगतान लंबित हो गया है। नवगछिया मकनपुर चौक राष्ट्रीय राजमार्ग पर अज्ञात वाहन से कुचलकर युवक की गई जान, एक घायल। नवगछिया के मकनपुर चौक स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के पास अज्ञात वाहन के चपेट में आने से गोपालपुर थाना क्षेत्र के बड़ी मकनपुर निवासी हरिनंदन सिंह के पुत्र ललन कुमार 20 वर्षीय की जान चली गई, जबकि गांव के ही बिंदेश्वरी शाह का पुत्र मनोहर शाह 32 वर्षीय गंभीर रूप से घायल है। मनोहर को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर स्थित मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया है। घटना बीती गुरुवार रात 10 बजे की है। परिजनों ने बताया कि ललन कुमार और मनोहर शाह जल नल का काम करके पैदल ही घर लौट रहे थे। मकनपुर चौक पर सड़क पार करने के क्रम में एक अज्ञात अनियंत्रित वाहन के चपेट में आ गए। ललन की घटनास्थल पर ही जान चली गई, वहीं मनोहर गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की सहायता से दोनों को अनमंडली अस्पताल पहुंचाया गया,
जहां चिकित्सकों ने ललन को मृत घोषित कर दिया और मनोहर का प्राथमिक उपचार कर उसे भागलपुर स्थित मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। समाचार लिखे जाने तक घायल की स्थिति गंभीर बनी हुई थी। देर रात मृतक के परिजन सहित पंचायत के मुखिया विजय सिंह और उप मुखिया मोहम्मद आजाद पहुंचे थे। परिजनों ने कहा कि मकनपुर चौक सड़क हादसे को लेकर काफी संवेदनशील है, फिर भी रात्रि में वहां चेक पोस्ट पर पुलिस की तैनाती नहीं थी। घटना के एक घंटे बाद भी गोपालपुर पुलिस नहीं पहुँची है। युवक की मौत के बाद परिजन गहरे सदमे में है। क्या आपके बच्चे की उम्र 2 से 12 तक के बीच का है? क्या आपका बच्चा है ड्रामेबाज, करता है ड्रामेबाजी? क्या आपका बच्चा भी अलग अलग वेशभूषा में तैयार होकर करता है नाटक? क्या आपके बच्चे में भी है स्टेज पर कुछ भी कलाकारी दिखाने का जज्बा? तो आपके बच्चे के अभिनय को हम देंगे मौका दिखाने को प्रतियोगिता के द्वारा। तो बनाइए वीडियो और भेजिए 9709894194 व्हाट्सएप पर। वीडियो भेजने का तिथि 15 जनवरी से 30 जनवरी तक है। रजिस्ट्रेशन एवं पूरी जानकारी के लिए संपर्क करें 8409181920 पर। मेरे बलमा पड़ो से आड़ो ठंडो कोको कोलो ले आयो। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन। नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ जहां उपलब्ध है एसी नॉन एसी कमरे मंडप बुफे काउंटर हाई टी डीसी फ्लोर रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क करें 9661904817799249981। अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीददारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371178773250523। नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान पोखर के सामने गौशाला रोड नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। पिज्जा बर्गर नूडल्स जूस हॉट एंड कोल्ड कॉफी तंदूरी सहित कई आइटम उपलब्ध है। विशेष आकर्षण कॉफी का आनंद लें मात्र 15 रुपए से। साथ ही परिवार के साथ झूले पर ले खाने पीने का आनंद। प्रत्येक रविवार को 30% की भारी छूट। होम डिलीवरी उपलब्ध है। संपर्क करें 7549888597। अब आपके शहर नवगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स प्रोफेसर कॉलोनी नवगछिया। संपर्क करें 9060127642 9308708313।
खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस फुलडोभी गेराबाड़ी कटिहार नियर वासंतिक नवरात्र मंदिर राजपूत मंदिर CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121 AK झा 9472833513।